केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दिया था और कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होगी। जिस जाति जनगणना की बात हो रही थी बिहार में और देश के अलग अलग राज्यों में, अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जाति जनगणना नहीं होगी। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि एक बार हम लोग फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि एक बार पुनः विचार किया जाए। पहले सुनिए अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। हम लोग जब डेलीगेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री के डेलीगेशन के हेड वही थे और हम लोगों ने सभी नेता सभी दल के नेताओं से सारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री सुना है। उन्होंने कहा था कि हम इसको समझ बूझ कर चिंतन करके इसका बताएंगे। पॉजिटिव हम लोग को लगा था, लेकिन निगेटिव उन्होंने बोला नहीं था। लेकिन हमको जो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं जवाब में उन्होंने लिखा है, यह है सुप्रीम कोर्ट को, कि सिर्फ SC ST का ही होना चाहिए, दबाव न बनाया जाए कि हम लोग OBC और भी जाति, हम तो सिर्फ OBC की बात, जाति जनगणना हम लोगों ने मांगा है पूरे सभी कास्ट का, ताकि वो पता चलने से क्या होगा, हम लोग आरक्षण सही ढंग से सभी जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं किसी भी जात के हो उसको हम लोग दे सकें। और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाए, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि आप सरपरि हैं, आप केंद्र सरकार के दबाव में उनको भी नहीं, अगर आए हैं तो मैंने पूरा डिटेल्स तो अभी ऑर्डर नहीं देखा है, देखने के बाद और इसको बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह देश के हित में, जनता के हित में नहीं है। क्या लगता है कि आप जिस तरह से आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, आप लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, ऐसे में अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं होगा, तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों ने किया कि आप अपने खर्चे पर करिए। खर्चा तो बहुत है नहीं, सब सिस्टम तो बना पड़ा है। अब माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग फिर से बात करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग जनता के साथ आंदोलन करें। यह तो बिल्कुल गलत है कि किसी भी जाति के लोग हों, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए अगर नहीं करवा रहे हैं तो यह देश के हित में, जनता के हित में नहीं है। क्या लगता है सर कि फिर एक बार आप लोग CM से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री जी को फिर से पत्र लिखेंगे, इस पर फिर से आप निर्णय लें। यह देश के हित में है, जनता के हित में है, यह बहुत जरूरी है। जाति आधारित जनगणना होना बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग उनके लिए काम कर पाएंगे। आखिर जनता हम लोग को चुन के भेजती क्यों है? हम लोग को पता होना चाहिए किस जाति के लोग हैं, किस में गरीब लोग कौन है, किनको ज़रूरत है, उसी के आधार पर हम लोग करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र सरकार दबाव बनाई है, यह तो बड़ा आश्चर्य बात है और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना चाहिए, उनको अपना निर्णय लेना चाहिए, फिर से हम लोग इसको आवाज़ उठाएंगे। आपने सुना अजीत शर्मा को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से हम लोग प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, पत्र लिखेंगे कि जाति जनगणना पर पुनः विचार किया जाए। एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाति जनगणना कराने को लेकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सभी नेताओं ने कहा कि सकारात्मक मुलाकात रही, उम्मीद है कि जाति जनगणना होगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। RJD कहती है कि नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए और NDA से अलग होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी गलत बात है, जाति जनगणना होनी चाहिए, सब जाति के हित की बात है।